दोस्तों, रोज किसी न किसी काम से हम रास्तों से गुजरते ही हैं और ये रास्ते हमेशा की तरह आम होते हैं। लेकिन अगर इन आम से रास्तों को ब्रिज यानी पुलों के साथ बदल दिया जाए तो इन रास्तों पर चलना बेहद रोमांचक हो जाता है। परंतु हमेशा ही पुलों पर चलना रोमांचक नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे खतरनाक पुल भी हैं जिन पर चलना अपनी मौत की नाजुक सी डोर पर चलने के समान है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के कुछ बेहद ही खतरनाक पुलों के बारे में, जिन पर से आप कभी भी गुजरना नहीं चाहेंगे। 7 माइल ब्रिज, फ्लोरिडा। दुनिया के कई ब्रिज केवल इसीलिए डरावने हैं क्योंकि वो बेहद ऊंचाई पर बने हैं, लेकिन फ्लोरिडा में बना 7 माइल ब्रिज वाटर लेवल से केवल 65 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको ये ब्रिज देखकर ऐसा लग रहा होगा कि भला इस ब्रिज से डरने की क्या बात है, और यहीं ज्यादातर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। 65 मील लंबा ये ब्रिज फ्लोरिडा के कई हिस्सों को जोड़ता है। एक बार इस ब्रिज पर निकलने के बाद आपको केवल ब्रिज और दूर दूर तक सफेद पानी ही दिखाई देता है, और यही एहसास इस ब्रिज को खतरनाक बनाता है, क्योंकि अगर एक बार भी किसी तरह का एक्सीडेंट ब्रिज पर आपके साथ हो या ब्रिज पर कोई भी घटना घट जाए तो आपके यहाँ से निकलने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही इस ब्रिज पर मौसम कभी भी खराब हो सकता है, जिस वजह से अगर आप ब्रिज पर रुकना चाहें तो भी नहीं रुक सकते। रॉयल गॉर्गे ब्रिज, कोलोराडो। रॉयल गॉर्गे ब्रिज 2001 तक दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज था, जिसका निर्माण 1929 में किया गया था। ये ब्रिज 384 मीटर के क्षेत्र में फैला है। इस ब्रिज के नीचे से अरकैनसास नदी बहती है, जिसकी ब्रिज से गहराई 300 मीटर है। इस ब्रिज के निर्माण में 6 महीने का समय लगा था। इस ब्रिज को जोड़ने वाली दोनों केबल का वजन 200 टन है। साथ ही इस ब्रिज के निर्माण में लकड़ी के 1292 तख्तों का इस्तेमाल किया गया था। इस ब्रिज में नीचे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, जिस वजह से जब इस ब्रिज पर लोग चलने लगते हैं तो ये ब्रिज हिलने लगते हैं, और ब्रिज के 300 मीटर नीचे बहती हुई नदी इस एहसास को और डरावना बनाती है। अगर आप चाहें तो आप इस जगह को केबल कार से भी पार कर सकते हैं, जो ब्रिज के पास ही स्थित है। तितलिस क्लिफ वॉक, स्विट्जरलैंड। इस ब्रिज को पार करने के लिए आपको पहाड़ पर चढ़ाई करना आना चाहिए, क्योंकि टिटलिस पहाड़ी चढ़ने के बाद ही आप इस ब्रिज तक पहुंच पाएंगे। एक बार पहाड़ी चढ़ने के बाद आप जमीन के नीचे बनी बर्फ की गुफा से गुजरते हुए इस ब्रिज तक पहुंचते हैं। टिटलिस क्लिफ वॉक 300 मीटर लंबी और समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है, और ये ब्रिज केवल 3.3 मीटर ही चौड़ा है, जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। 150 कदम चलने के बाद आप इस ब्रिज को पार कर लेते हैं, और एक बार दूसरी तरफ पहुंचने के बाद आपको वापस दूसरी तरफ जाने के लिए केबल कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। बर्फीले मौसम और यहां चलती ठंडी हवाएं इस ब्रिज को एक सुहाना और खतरनाक ब्रिज बनाती हैं। प्यूंटे दे ओजुएला, मैक्सिको। दोस्तों, जहाँ प्यूंटे दे ओजुएला रोड को पार करना मुश्किल है, तो वहीं आपका इस ब्रिज के बारे में क्या ख्याल है? ये ब्रिज 300 मीटर ऊंचा है और 1000 फीट लंबा है, और ये ब्रिज केवल 0.6 मीटर यानी 2 फीट चौड़ा है, जिस वजह से इस ब्रिज का सफर बेहद खतरनाक हो जाता है। ये ब्रिज केवल पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए ही है, क्योंकि इस जगह किसी भी वाहन का निकल पाना संभव नहीं है। इस ब्रिज का निर्माण 1898 में किया गया था, और उस समय इसका इस्तेमाल सोने और चांदी को माइन से दूसरी तरफ ले जाने के लिए किया जाता था। चलते समय ये ब्रिज हिलने लगता है, जिस वजह से कई लोग यहाँ डर जाते हैं। फिर भी अगर किसी तरह आप इस ब्रिज के बीचों बीच पहुँच जाते हैं तो यहाँ की पहाड़ियों के बीच से दिखने वाला नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है।
अगर आप इस ब्रिज को पार करने में कामयाब रहते हैं तो आप ब्रिज के दूसरी तरफ स्थित घोस्ट टाउन और खंडर बन चुके 100 साल पुरानी माइन में भी घूम सकते हैं। दी हैंगिंग ब्रिज ऑफ ग्यासा नेपाल। नेपाल के घासा में स्थित इस ब्रिज को झूलने वाला ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चलने वाली तेज हवाएं और हाई एल्टीट्यूड पर स्थित होने की वजह से ये ब्रिज हिलने लगता है। इस ब्रिज का इस्तेमाल अक्सर लोकल्स और विजिटर द्वारा किया जाता है। बेहद मजबूत और ताकतवर होने की बजाय ये ब्रिज देखने में बेहद कमजोर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस ब्रिज को पार करने के लिए लोगों की आवाजाही लगी रहती है। इस ब्रिज को लोकल्स रोज आने जाने के साथ ही अपनी बाइक्स और जानवरों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वैसे क्या आप कभी इस ब्रिज पर बाइक चला सकते हैं? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है इन खतरनाक पुलों के बारे में? कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।